नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं विजेंद्र सोलंकी। ये दिवाली भारतीय सेना बेड़े में दो चांद लगाकर गई है। एक समंदर की सीमाओं की हिफाजत करेगी और दूसरी दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें तबाह करेगी। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात हिंदुस्तान के उन बवंडर की जो दुश्मनों की तबाही लेकर आया है। दरअसल दीपावली पर भारतीय नौसेना को एक तोहफा मिला है। जी हां, यह तोहफा कितना कीमती है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अब नापाक निगाहों से कोई भी हमारे सागर में मौजूद सरहदों को निहार तक नहीं पाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। आतंक के लिए काल है समर्थ, महफूज होगी हिंदुस्तान की सरहद, अरब सागर में उतरा शानदार समर। जब समंदर के रास्ते आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो मुंबई में धमाके हुए और 26/11 की तारीख मशहूर हो गई मातम की तारीख। इस घुसपैठ ने यह साबित कर दिया था कि भारत की समुद्री सरहदें महफूज नहीं है और तभी से यह कोशिश जारी थी कि किसी भी तरह से दुश्मन की समुद्री घुसपैठ को नाकाम करने के हथियार बनाए जाए। अरब सागर ने हिंदुस्तान को ऐसा नासूर दिया है जो भारत को ताउम्र सहलता रहेगा, क्योंकि इस सागर के रास्ते देश में दाखिल हुई थी पाकिस्तानी बोट और उसमें सवार थे आतंकी, वो आतंकी जो कहर बनकर टूट पड़े मुंबई के लोगों पर। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने एक बार नहीं कई बार देश को चेताया है कि समंदर का रास्ता दुश्मनों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है और भारत के लिए सबसे खतरे वाला। ऐसे में जब समंदर में हिंदुस्तान का सबसे जानदार निगरानी युद्धपोत उतरा और उसने समंदर में अटखेलियां की तो आतंकियों की आंखों की चिलगिरी बन गया। समंदर में उतरा देसी युद्धपोत ICGS समर, तटरक्षक बेड़े में शामिल हुआ गश्त पोत समर। ये गश्त पोत जब हिंदुस्तान की ताकत और तिरंगे का गुमान लेकर समंदर में उतरा तो नजारा देखने लायक था। ICGS समर्थ एक ऐसा हिंदुस्तानी युद्धपोत है जो शुद्ध देसी युद्धपोत है। जी हां, आप इसे प्योर भारतीय लड़ाका कह सकते हैं और इसमें आपको कोई शक नहीं होगा कि भारतीय लड़ाके कितने खूंखार होते हैं। ये एक ऐसा युद्धपोत है जो भारत को आतंक और दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में पूरी तरह से समर्थ बनाते हैं और मजाल कि कोई हमारी जल सरहद को छू भी पाए, और ये बात रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मानते हैं। एंड आई थिंक कोस्ट गार्ड कैपेसिटी बिल्ट अप इज नाउ ऑलमोस्ट मोर देन 70% कंप्लीटेड। द फाइनल रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 70% वी हैव अचीव्ड। कोस्ट गार्ड का बादशाह बना ICGS समर्थ। इस दिवाली पर भारत का मस्तक और तिरंगा दोनों गर्व से ऊंचे हो गए क्योंकि भारत समर्थ हो गया। ऐसा नहीं है कि भारत पहले समर्थ नहीं था, लेकिन यह समर्थता ज्यादा खास हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत के पास समर्थ के शामिल होने से पहले 117 युद्धपोतों का करामाती बेड़ा है, लेकिन अब
आईसीजीएस समर्थ इस बेड़े का बादशाह होगा। आपको यह भी बता दें कि समंदर के रास्ते हुई सबसे बड़ी घुसपैठ की छठी बरसी भी करीब है और इस बरसी पर यानी 26/11 की बरसी पर समर्थ देश की शान में 4 चांद लगा रहा होगा। दुश्मनों के लिए काल है ये, पाकिस्तान के लिए सवाल है ये। समंदर के रास्ते अब नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। समर्थ करेगा आतंकियों का सफाया। आज ये हम लोग इधर गोवा में लकी है कि ये गोवा बेस्ड है और गोवा ऑलमोस्ट सेंटर रहने से वेस्ट कोस्ट के, तो इमीडिएट रिएक्शन के लिए बड़ी जहाज जिसमें एक ALH ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर लैंड करेगा वो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट में रहने से नॉर्थ या साउथ डिप्लॉयमेंट करने में बहुत काम आएगा। ये तोहफा है कोस्ट गार्ड को दिवाली पर, और तोहफा इसलिए क्योंकि कोस्ट गार्ड ही वो सैनिक होते हैं जो देश की समुद्री सरहदों को महफूज रखते हैं। कोस्ट गार्ड के ही जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत करते हैं और अब उन्हें समर्थ करने के लिए समर्थ मिल गया है और ये देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है। समंदर में देश की ताकत की मिसाल है समर्थ। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि इस युद्धपोत के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत अरब सागर में कितना मजबूत होने वाला है, और आपको इसकी ताकत के बारे में भी अब हम बता दें। सेंसर्स, नेविगेशन और कम्युनिकेशन प्रणाली से लैस है ये। 105 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा युद्धपोत है समर्थ। इस पर लगा है डबल इंजन वाला एडवांस हेलीकॉप्टर, 5 हाई स्पीड बोट और आधुनिक संचार तंत्र, तेज ऑपरेशन निशाने की तलाश और बचाव की तकनीकी से लैस। समर्थ में न आग लगेगी न प्रदूषण फैलेगा। एक बार में जाएगा 12,000 किलोमीटर तक। समंदर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। 124 नाविकों और अफसरों की तैनाती का इंतजाम, प्रति मिनट 120 राउंड फायर करने की क्षमता। समर्थ श्रेणी के 6 जहाजों में पहला जहाज है ये। गोवा शिपयार्ड ने किया है इसका निर्माण। इसे बनाने में सरकार ने 1800 करोड़ खर्च किए। चारों ओर निशाना साधने वाली गन भी तैनात। आपको बता दें कि इस युद्धपोत पर एक बोफोर्स गन भी लगी है जो एकदम स्वदेशी तकनीकी से लैस है। इस पोत पर HMG गन भी लगे हैं जिससे कि दुश्मनों पर चारों ओर से फायरिंग की जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है आपके इसमें जो है 2 HMG भी हैं, 12.7 HMG हैं जो पीछे की तरफ है, तो सिंस ये गन आपको आगे की तरफ जो है सपोर्ट देने वाली है तो पीछे का जो हिस्सा रहता है उसके लिए हमारे पास में ब्रिज टॉप जो ब्रिज है जहां से जहाज चलता है उसके पीछे जो है हिस्से पे 2 12.7 HMG गन भी लगेंगी। उससे क्या होगा कि आपको चारों तरफ जो है फायर पावर जो है आपको इस शिप में जो है आपको अवेलेबल है। उसके अलावा आपके पास में जो है लाइट मशीन गन्स हैं, हेवी मीडियम मशीन गन्स भी जो है हमारे शिप में है। एक प्रकार से अगर मैं बोलूं तो जितना वेपन सिस्टम हमको इसमें चाहिए, जितना भी हमारी जो जरूरतमंद है जो एक्सी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए वो शिप में मौजूद। कम्युनिकेशन और जो नेविगेशन एस्पेक्ट्स हैं मतलब स्टेट ऑफ आर्ट इसमें नेविगेशन कमीशन के ऊपर लगे हुए हैं, ये सब जो है इंटीग्रेटेड है, रियल टाइम जो है फीड दे सकते हैं, कहीं भी शोर में बैठे बैठे भी हम लोग अपलिंक कर सकते हैं। और हमारे जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो हमारे को डेटा जो है वो सफिशियंट जो है हमको अपने इन उपकरणों की मदद से हमको जो है हम पा सकते हैं और इसको एनालाइज कर सकते हैं अपने ऑपरेशनल जरूरतमंद चीजों के लिए। अच्छी
समर्थ की ताकत को देखकर हमारे दुश्मनों के हौसले पस्त हो रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्कों में हलचल पैदा हो गई है कि हिंदुस्तान ने अरब सागर में ये कौन सा लड़ाका उतार दिया। क्योंकि इसकी निगरानी को भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस दिवाली भारत की सुरक्षा में दो आयाम जुड़े हैं, एक समर्थ और दूसरा अग्निपोर्ट। आगे बात अग्निपोर्ट। तो एक तरफ समर्थ ने दुश्मनों की सांसों को रोक दिया और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अग्नि सब कुछ जलाकर राख करने पर आमादा है। इस दिवाली एक नहीं दो दो ताकतों ने अपने आप को साबित किया है दुनिया के सामने। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश में दिवाली के पटाखों का शोर था और दूसरी तरफ ओडिशा तट के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से आसमान को चीरती हुई हवा में परवाज कर रही थी अग्निचार। जी हां, अग्निचार ये एक ऐसी मिसाइल है हिंदुस्तान की जो देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की कुव्वत रखती है। इस मिसाइल की जद में कौन कौन है पहले आपको ये दिखा देते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की बात, जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे देश की हिफाजत करेगी ये मिसाइल और दुश्मनों के लिए खौफ का पर्याय बनेगी ये मिसाइल। अब्दुल कलाम आइलैंड से दागी जाने के बाद ये मिसाइल पाकिस्तान के सभी प्रमुख शहरों को निशाना बना सकती है, फिर चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो या फिर इस्लामाबाद हो, तो अग्निचार की थमक से धसक जाएगी पाकिस्तान की धरती। पाकिस्तान ही क्यों, चीन जो अपनी ताकत से इतराता रहा है वो अग्नि में झुलस जाएगा। इस मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए। पाकिस्तान की तरह चीन के सभी प्रमुख शहर अग्निचार के निशाने पर हैं। अब्दुल कलाम आइलैंड से बीजिंग, शंघाई, ताइपे, ग्वांगझोउ, हांगकांग, सुबिरीप जैसे चीन के सभी शहर हिंदुस्तान की इस मिसाइल की जद में आते हैं। न चीन दूर न पाकिस्तान दूर है, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने देश को यह ऐसा तोहफा दिया है, अब पारी हमारे इतराने की है। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्निचार का सफल परीक्षण करके ये साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। अब चीन और पाकिस्तान भी हमारी जद में आ गए हैं क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल महज 20 मिनट में दुश्मन का काम तमाम करने में सक्षम है। और आपको एक बात और बता दें कि अगर दुश्मन ने इसे हवा में ध्वस्त करने की कोशिश की तो इसका सिस्टम इसे पहले ही आगाह कर देगा और ये दुश्मन को चकमा दे देगी, और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए अग्निचार अपना लक्ष्य भेद देगी। दिवाली से ठीक पहले जब मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया तो यह साबित हो गया कि दुश्मनों को अब सावधान हो जाना चाहिए। अग्नि 4 एक मिसाइल जिसकी रेंज जो है वो चाइना के अंदर तक पहुंचती है और पाकिस्तान तक, पूरे पाकिस्तान को तो पहुंचती है। इसमें मुकाबले का सवाल नहीं, इसका सवाल यह है कि वो न्यूक्लियर हेड कैरी करती है। तो अगर पाकिस्तान और चाइना का कोई इरादा है कभी भी कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो उनको क्लियर हो जाता है कि हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं ये उनके कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं। ये बहुत एक्यूरेट वेपन है जो इसे बनाया गया है, उसमें कंप्यूटर और जो सिस्टम है वो बहुत एक्यूरेसी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होती है लॉन्ग रेंज में कि आप कितने एक्यूरेटली फेंक सकते हैं। अगर आप एक टारगेट फेंकना चाहते हैं और वो उसके आसपास गिरा वहां गए नहीं तो बेकार हो जाता है। तो कितने टारगेट का मतलब है कि आप कितनी जगह फायर कर सकते हैं। जमीन से जमीन पर मार करती है अग्निचार, इसकी टेक्नोलॉजी बनाती है इसे सबसे अलग। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि अग्निचार पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइल है और जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल दो चरण वाली हथियार प्रणाली से लैस है। इसे मोबाइल लॉन्चर से अब्दुल कलाम आइलैंड के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लॉन्च किया गया था
पहले इस आइलैंड का नाम व्हीलर आइलैंड था, लेकिन अब इसे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। अग्नि 4 में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी इसे दूसरी मिसाइलों से अलग बनाती है। अगर भारत से छोड़े जाने के बाद दुश्मन ने इसे मिसगाइड करने की कोशिश की या इसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो ये उसे भाप जाएगी। इसके बाद खुद को अपने आप ही गाइड कर लेगी और अपने लक्ष्य को हर हाल में भेद देगी। अग्नि 4 की 5 बड़ी खासियतें। इसका वजन 17 टन और लंबाई 20 मीटर है। वजन में हल्की है, इसलिए कम समय में मार करती है। 2 चरणों वाली हथियार प्रणाली से लैस है। मिसाइल में 5वीं जनरेशन के ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगे हैं। इंटरनल और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम यानी सीधे अचूक मार। लगातार 5वीं बार किया गया इसका सफल परीक्षण। जहां तक चीन का ऐसा तल्लुक है, इसको अग्नि 4 को अगर अरुणाचल में या सिक्किम वगैरह एरिया में डिप्लॉय किया जाए तो चाइना के बहुत बड़े इलाकों पर बीजिंग शंघाई तक पहुंच सकते। जहां तक अग्नि 4 का तल्लुक है, इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के हर हिस्से पर हावी होगी, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हो, हर हिस्से पर वो पूरी तरह से अटैक कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। अग्नि 4 2-स्टेज मिसाइल है। इन हर एक की लंबाई जो है अलग अलग है, वेट अलग अलग है। अग्नि 4 का जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 48 टन्स है, अग्नि 3 का तकरीबन 47 टन्स है, और ये तकरीबन 1.5 टन वॉरहेड को ले जा सकती है। नवंबर 2011 को अग्नि 4 का पहली बार सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल 900 किलोमीटर तक बंगाल की खाड़ी में अपने लक्ष्य तक गई। इस सफर में मिसाइल के सारे सिस्टम ठीक रहे। इसके बाद 19 सितंबर 2012 में मिसाइल का दोबारा सफल परीक्षण किया गया। इस बार भी इसने अपनी पूरी क्षमता दिखाई और 4000 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को भेजा। 20 जनवरी 2014 को तीसरी बार मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस बार मिसाइल ने आकाश में 850 किलोमीटर ऊंचाई हासिल की और अपनी पूरी रेंज तक मार करने में कामयाब रही। इसके बाद 2 दिसंबर 2014 में इस मिसाइल का पहला यूजर ट्रायल किया गया और परीक्षण लगातार 4थी बार सफल रहा। इसके बाद मिसाइल को सेना में शामिल कर लिया गया। सेना में शामिल होने के बाद 5वीं बार दिवाली से ठीक पहले 9 नवंबर 2015 को अग्नि का दूसरा यूजर ट्रायल किया गया और इस बार भी मिसाइल मिशन के हर पैरामीटर पर खरी उतरी। अग्नि जो कलाम साहब का ख्वाब है, वो अपनी परवाज से दुश्मनों की नींदें उड़ा रही है। अब जनवरी या फरवरी में अग्नि 5 मिसाइल का यूजर ट्रायल होगा और अगर ये ट्रायल कामयाब रहा तो इसे भी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद दुनिया में हिंदुस्तान का दबदबा और कद दोनों बढ़ेंगे। कद तो अभी से बढ़ गया है, क्यों ये भी आपको बता दें। अग्नि 4 की सफल उड़ान के बाद चीन तो इतना घबराया हुआ है कि उसका कहना है कि उसके पास भारत से ज्यादा मारक क्षमता वाले हथियार हैं। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना के पास कितनी अग्नि है दुश्मनों को जलाकर खाक करने के लिए। 4 का वार पड़ेगा भारी। अग्नि 1 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। अग्नि 2 इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 ये 3000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। अग्नि 4 इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान की शाहीन से आगे है हमारी अग्नि। दुनिया की मिसाइलों में हम 6ठे सबसे मजबूत देश। वैसे तो पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए हमारी अग्नि 3 ही काफी है, क्योंकि मारक क्षमता इसकी 3000 किलोमीटर तक है, इसलिए पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ जाता है। जबकि पाक की शाहीन 3 की मारक क्षमता 2700 किलोमीटर तक है और इसकी जद में अंडमान निकोबार ही आता है।
पाकिस्तान के लिए हमें अग्नि 3 से आगे की मिसाइल की कोई जरूरत नहीं, और अब 4 के आने के बाद तो पाकिस्तान की नींदें हराम हो ही गई। हम आपको बता दें कि भारत अमेरिका चीन ब्रिटेन रूस और फ्रांस के बाद 6 नंबर पर आता है। ये वो देश हैं जिनके पास लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं, और शायद यही वजह थी कि जब अग्नि मिसाइल की लॉन्चिंग से ठीक पहले 1979 में अमेरिका तक घबरा गया था। इस बात का जिक्र खुद दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी में किया। कलाम साहब ने कहा था कि भारत की अग्नि की तपिश अमेरिका ने भी महसूस की थी और उसने भारत से व्यापारिक रिश्ते तक बंद कर दिए। स्पेशल डेस्क समाचार।